जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय टोक्यो में ओलंपिक्स चल रहे हैं और उन टोक्यो ओलंपिक्स की जो चर्चा है वो हर जगह चल रही है। मतलब कई खिलाड़ी हैं जो कि वहाँ पर मेडल जीत के लेके आ रहे हैं और सभी को इस बात की खुशी भी है क्योंकि अलग अलग देश इसको एक सेलिब्रेशन की तरह देख रहे हैं। कोविड के टाइम पर जो एक उदासीनता फैली हुई है उसको तोड़ने वाली चीज़ के रूप में देख रहे हैं। अब कई सारे देश हैं जो कि इसमें कम्पीट कर रहे हैं। इसी में ऑस्ट्रेलिया की एक खिलाड़ी भी हैं जो कि 100 मीटर बैकस्ट्रोक में खेल रही थी। उन्होंने 19 साल की और उन्होंने इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। उन्होंने 57.45 सेकंड्स में फाइनल जीता है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है 19 साल की एज के लिए। कायली नाम है इनका। लेकिन उनकी जब इस एक्साइटमेंट के लिए एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि भैया आप मतलब जीत गई हैं, इतना बड़ा अचीवमेंट है, तो आप अपनी मम्मी और अपनी बहन के लिए क्या कहना चाहती हैं, तो ये कहते कहते उनके मुंह से क्या निकल गया, सबसे पहले आप इस वीडियो में देखो। What would you like to say to your mum and your sister for now? Fuck yeah! Oh shit! अब देखिए, गाली तो ऐसी चीज है भाई, इंसान कभी कभी खुशी में भी दे देता है, गुस्से में तो देता ही है। लेकिन हाँ, ओलंपिक के मंच पे शायद ये पहली बार हुआ होगा किसी व्यक्ति ने इस तरीके से मतलब इतनी बड़ी चीज़ कही हो। अब इस वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, ऑब्वियस ही बात है। इसको एक वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने शेयर किया है अपने ट्विटर के ऊपर। जॉश बटलर उनका नाम है। वो लिखते हैं, स्टार्टिंग अ बेस्ट डेली मूवमेंट्स ऑफ द ओलंपिक्स थ्रेड विद दिस हॉल ऑफ फेम एंट्री फ्रॉम काइली मैकोन आफ्टर विनिंग गोल्ड। इसको कहते हुए उन्होंने ये जो वीडियो है छोटा सा ये उन्होंने शेयर किया, जिसमें कि काइली की जो एक्साइटमेंट है वो देखते ही बन रही है। What would you like to say to your mum and your sister for now? Fuck yeah! Oh shit! Woo!